जो हमने क्लास लाइब्रेरी का कंसेप्ट पढ़ा उसके रिगार्डिंग देयर इज अ स्मॉल टॉपिक दैट इज कॉमन टाइप सिस्टम। अगेन आई रिपीट, जो क्लास लाइब्रेरी का हमने टॉपिक पढ़ा उसी के रिगार्डिंग एक स्मॉल टॉपिक है दैट इज कॉमन टाइप सिस्टम। नाउ व्हाट इज कॉमन टाइप सिस्टम? कॉमन टाइप सिस्टम हम किसे कहेंगे? क्यों हम कॉमन टाइप सिस्टम कंसेप्ट का यूज करेंगे? व्हाट इज इट, मीनिंग क्या होगा? कॉमन टाइप सिस्टम, टाइप का मीनिंग क्या होता है? ऑब्वियसली डेटा टाइप, एप्लीकेशन या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टाइप का मीनिंग क्या होता है? डेटा टाइप होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन टाइप सिस्टम? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, आप वीबी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर पूरा वर्ड लिखते हो, राइट? सी शार्प के अंदर आईएनटी वर्ड लिखते हो, राइट? फिर भी जब आप वो दोनों एप्लीकेशन को लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके MSIL के अंदर कन्वर्ट करते हो तो MSIL के अंदर ना ही आपको इंटीजर डेटा टाइप दिखाई देगी ना ही आपको INT डेटा टाइप दिखाई देगी। MSIL के अंदर जो आपको दिखाई देगा दैट विल बी सिस्टम डॉट इन 32 या फिर सिस्टम डॉट इन 16। बिकॉज सिस्टम डॉट इन 16, सिस्टम डॉट इन 32, सिस्टम डॉट इन 64, दैट इज द डेटा टाइप ऑफ .NET फ्रेमवर्क। वो ना ही वीबी लैंग्वेज की डेटा टाइप है, ना ही सी शार्प लैंग्वेज की डेटा टाइप है, ना ही C++ लैंग्वेज की डेटा टाइप है। दैट इज द डेटा टाइप ऑफ .NET फ्रेमवर्क। मतलब .NET फ्रेमवर्क ये कहता है कि आप कोई भी लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार वो MSIL के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो वो पूरा सोर्स कोड के अंदर जो भी डेटा टाइप्स होंगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी? द डेटा टाइप्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द .NET फ्रेमवर्क। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ कॉमन टाइप सिस्टम। बिकॉज आपको पता है वीबी लैंग्वेज के अंदर आप जो इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हो उसकी साइज क्या है? 2 bytes। लेकिन सी शार्प के अंदर अगर आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हो मे बी पॉसिबल वहां पे 4 bytes हो सकती है। सी प्लस प्लस के अंदर मे बी पॉसिबल 1 byte हो सकती है। इसीलिए वहां पे जो डिफरेंट कैटेगरीज है दैट इज सिस्टम डॉट इन 16, सिस्टम डॉट इन 32, सिस्टम डॉट इन 64, ये 16, 32, 64 क्या है? दे आर द नंबर ऑफ बिट्स। बिकॉज हमें पता है 8 bits इज इक्वल टू 1 byte। तो अगर मैं कहती हूं इन 16 मतलब वो कितनी साइज की डेटा टाइप के लिए हम यूज करेंगे? 2 bytes। क्लियर, राइट? ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉमन टाइप सिस्टम व्हिच आर अनदर फीचर्स के जो हमें मिलते हैं दैट इज क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, टाइप सेफ्टी एंड हाई परफॉर्मेंस कोड एग्जीक्यूशन। क्यों? व्हाट इज क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन? अगेन फ्रॉम द लास्ट 2 lectures मैं आपको एक ही चीज समझा रही हूँ कि एक एप्लीकेशन के अंदर आप 2 different लैंग्वेज का यूज करके सोर्स कोड लिख सकते हो, राइट? लेकिन अगर मैं page 1 से page 2 के ऊपर नेविगेट करती हूँ, page 1 लिखा गया है वीबी लैंग्वेज के अंदर, page 2 लिखा गया है सी शार्प लैंग्वेज के अंदर, तो वो मुझे मना कर देगा कि नहीं आप नेविगेट नहीं कर सकते? वो मुझे मना कर देगा? नो, वो मुझे मना नहीं करेगा, बिकॉज वो दोनों पेजेस एक ही एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। फिर भी 2 separate लैंग्वेज के सोर्स कोड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट दैट इज कॉमन टाइप सिस्टम। एंड इसी की वजह से हमें फीचर मिलता है दैट इज क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन का मीनिंग 2 different लैंग्वेजेस के कोड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर, राइट? ओके, टाइप सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है? अगेन अगर आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में यह भी पढ़ाया था, नैरोइंग कन्वर्जन एंड वाइडनिंग कन्वर्जन। नैरोइंग कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? बड़ी डेटा टाइप में से हम छोटी डेटा टाइप के अंदर कोई वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज नैरोइंग कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट वैल्यू को आप इंटीजर में कन्वर्ट करने जाओगे देन दैट इज नैरोइंग कन्वर्जन। लेकिन अगर आप इंटीजर की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करने जाओगे देन इट इज वाइडनिंग कन्वर्जन। तो नैरोइंग कन्वर्जन हम अलाउ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट टाइप सेफ, वहां पे वैल्यू ट्रंकेट हो सकती है।
लेकिन वाइडनिंग कन्वर्जन हम वहां पे अलाउ कर सकते हैं बिकॉज इट इज टाइप सेफ। तो ये चेकिंग भी अपने आप यहाँ पे कॉमन टाइप सिस्टम का यूज करके हो जाता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल रिजल्ट इनटू टाइप सेफ्टी और नॉट। अंडरस्टूड? एंड जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आफ्टर ऑल वो कन्वर्ट हो जाती है MSIL के अंदर, और MSIL ही CLR यूज करता है एग्जीक्यूशन के रिलेटेड, एंड वो पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? जब जो कोड की जरूरत होती है वो वही कोड लेता है एंड उसे एग्जीक्यूट करके दे देता है। दैट्स वाई हमें वहां पे परफॉर्मेंस भी मिलता है। अंडरस्टूड? राइट। सो दीज आर द फीचर्स के जो हमें ये कॉमन टाइप सिस्टम का यूज करके हमें मिलते हैं। Now, what is this common type system? हम क्या कहेंगे? We can say कि उसके अंदर rules define किए गए हैं ताकि सारी language एक दूसरे के साथ integrate कर सके, right? Obviously, अपने आप दो languages एक साथ integrate नहीं कर पाएंगी, right? वहाँ पे कोई ना कोई rules specifications लिखे गए होंगे कि जो वो languages को follow करने पड़ेंगे तो ही वो लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, राइट? एंड दोस रूल्स, दोस स्पेसिफिकेशंस आर रिटन विद इन दिस कॉमन टाइप सिस्टम स्पेसिफिकेशन। क्लियर? राइट? ओके। आपको अगर याद हो तो हमने CLS के अंदर 3 लेवल्स पढ़े थे, माइक्रोसॉफ्ट के 3 लेवल्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, कंप्लायंट प्रोवाइडर, कंज्यूमर एंड एक्सटेंडर। .NET फ्रेमवर्क के अंदर हमने ये 3 लेवल्स पढ़े थे, राइट? वो लेवल्स के ऊपर से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज कितनी कंपैटिबल होगी, बिकॉज वो लेवल्स ही कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है, राइट? वो स्पेसिफिकेशन के अंदर वो सारी चीज लिखी गई है। क्लियर? यस और नो? ओके। नाउ कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है? इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है, एंड देर आर मेनी अदर फीचर्स विच आर अवेलेबल विथ .NET फ्रेमवर्क एंड विथ क्लास लाइब्रेरी। एंड ये सारे फीचर्स हमें क्यों मिलते हैं? ये सारे फीचर्स हमें क्यों मिलेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली द सिंपल आंसर इज .NET फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। यस, .NET फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। वैसे तो जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो डू यू थिंक कि जितने फीचर्स .NET के अंदर अवेलेबल है वो सारे फीचर्स जावा एंड C++ के अंदर अवेलेबल है? नो, ऑब्वियसली नॉट। क्यों? देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स हमने आज पढ़े वो सारे कॉन्सेप्ट्स है दूसरी सारी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉमन टाइप सिस्टम, बिकॉज ऑफ क्लास लाइब्रेरी, these all features are possible in .NET framework, and by using those features with easy manner hum .NET framework ke andar koi bhi application ko develop kar sakte hain. Clear? Right? Okay. And the data types that are available with .NET framework, yahan pe jo data type list ki gayi hai wo VB ki nahi hai, C# की नहीं है, C++ की भी नहीं है। दीज आर द डेटा टाइप्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क, राइट? सो द फर्स्ट इज System.byte। ऑब्वियसली अगर वो बाइट है तो उसकी साइज क्या होगी? 1 byte। नेक्स्ट इज System.int16, 2 bytes। System.int32, 4 bytes। System.int64, 8 bytes, राइट? ओके। आफ्टर दैट System.single, राइट? सिंगल मतलब उसके अंदर कौन सी वैल्यूज आएगी? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आएगी, राइट? बट इट डिपेंड्स कि उसकी साइज क्या है। यहाँ पे साइज क्या लिखी गई है? 4 bytes। लेकिन अगर हम System.double की बात करें तो 8 bytes। दो बोथ द डेटा टाइप सपोर्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, बट वहां पे डिफरेंस कहाँ पे है? साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइट, मतलब हम कितना बड़ा नंबर उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट? अनदर इज System.object, and always remember the default data type of .NET framework is System.object.
अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और वहां पे डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कंसीडर कर लेगा? सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, राइट? ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम डॉट केयर. यहाँ पे आप देखोगे केयर की साइज क्या है, 2 bytes. अब तक आपने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी है उसमें केयर की साइज क्या होती है? 1 byte. यहाँ पे क्यों 2 bytes है? Because it automatically supports Unicode characters. और Unicode characters को size बड़ी चाहिए, right? इसीलिए यहाँ पे by default char की size क्या है? 2 bytes, right? And the last is system.string. And obviously, system.string means उसके अंदर तो हम कितने भी characters store कर सकते हैं, but over here the size is mentioned, that is 2 billion characters, right? उतने कैरेक्टर्स हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं इफ वी हैव डिफाइंड द डेटा टाइप एज सिस्टम डॉट स्ट्रिंग. क्लियर, राइट? सो दीज आर द डेटा टाइप्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क. अगेन आई रिपीट, .NET फ्रेमवर्क की डेटा टाइप है. गलती से भी वीबी की डेटा टाइप पूछे तो ये मत लिखना, राइट? वीबी की डेटा टाइप हमने कब पढ़ी थी? वीबी .NET के अंदर पढ़ी थी, राइट? वो लिखना, ठीक है? Alright, then another 2 data types are regarding system.decimal and system. I think it is boolean, right? System.decimal and system.boolean. Decimal again, kitni size hai uski? 12 bytes. Matlab single and double se bhi badi, right? And boolean ke andar hum kitne characters store kar sakte hai? 4 bytes hai. Aur boolean ka meaning kya hota hai? True or false, that is either 0 or 1, right? Okay, so over here the topic, that is data type, is completed over here, and I think along with that this is the end of unit 1, right? Yahan pe ye unit number 1 end hota hai. All right.